4G News में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने जो धमाकेदार बयान दिया है उसे सुनकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने बिना किसी का नाम लिखे हुए चेतावनी दी है और कहा है कि अगर दुनिया में कहीं भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार हुआ तो निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। जहां जहां आतंकवादी निर्दोषों पर हमला करेगी वहां वहां हम बम बरसाएंगे। इस बात के बारे में तो आप सब जान चुके हैं कि हाल ही में नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने मौत की सजा सुनाई है। इनको जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया गया है। जाधव की मौत का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से इस फैसले को लेकर भारत का कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रहा है क्योंकि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। जाधव को सोमवार को पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि जाधव को आतंकवाद और जासूसी को वजह से मौत की सजा सुनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जाधव को कोई भी वकील मुहैया नहीं कराया गया। आपको बता दें कि अब अमेरिका हर कदम पर भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका का यह बयान सीरिया में निर्दोष लोगों पर रासायनिक हमले के बाद सामने आया है, लेकिन इसे पाकिस्तान के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है।